हुजूर के हुलिया पर उम्मे माबत से लेकर के हजरत हिंद बिन अभी हाला तक एक लंबा सिलसिला है और तवील हदीसें हैं, लेकिन ये जो हदीस मैं आपके सामने बयान करने लगा हूं ये हर शख्स याद कर सकता है। सिर्फ तीन बातें आपने बयान फरमाई। अबयद, सफेद रंग था हुजूर का, चिट्टे रंग के थे, बिल्कुल चूने की तरह सफेद नहीं थे बल्कि उसके अंदर सुर्खी की आमेजश थी। ये हुजूर की रंगत का हुस्न है और जमाल है। और दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया मलीहन, ये हुजूर का हुस्न नमकीन था। एक होता है मीठा हुस्न, देखने वाला तड़प जाए और उसकी नजर ना ठहर सके, और एक होता है हुस्न मलीह, देखने वाला देखे और फिर देखता ही रह जाए। खुद फरमाया आना अमला हो व अखी यूसुफ असबा, मैं नमकीन हुस्न वाला हूं और मेरे भाई यूसुफ का हुस्न मीठा था। वहां जनाने मिस्र की उंगलियां कट गईं और यहां मामला ऐसा बजाहर नहीं हुआ इसलिए कि हुजूर के जमाल के ऊपर पर्दे रखे गए थे। अगर वो जलवा करें तो कौन तमाशाई हो, इसलिए 70,000 बशरियत के पर्दे हुजूर के जमाल पर डाले गए थे। तो हुजूर के हुस्न के लिए दूसरा लफ्ज जो हजरत अबू तुफैल ने बयान किया मलीहन, हुजूर का हुस्न नमकीन था। और तीसरा लफ्ज जो इस्तेमाल किया वो है मुकस्सद, मुकस्सद का माना मुतवाजन, हर मामले में तवाज, सवा सदर वल बतन, पेट और सीना बराबर। पेट उठा हो सीना पीछे हो तो हुस्न जायल हो जाता है, पेट चिपका हो सीना उठा हो फिर भी हुस्न जायल हो जाता है। लैसा बिततवील वला बिल कसीर, कद लंबा बहुत ज्यादा वो भी अच्छा नहीं लगता, पस्त कामती भी ऐब है, दरमियानी कदो कामत, हर मामले में हुस्न। लेकिन ये बात आपको बताऊं कि हुजूर का कद लंबा नहीं था, बस्त कामत भी नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने यह शान दी थी 10,000 के इज्तिमा में हुजूर बैठे हों या खड़े हों, इजा जामान नास गमरहुम, अल्लाह ने शान दी थी लंबे लंबे कद वाले लोग मौजूद होते थे लेकिन हुजूर तशरीफ लाते तो हुजूर के कंधे लोगों के सरों से ऊंचे दिखाई देते। यह अल्लाह अपने महबूब को शान अता। तो ये तीन लफ्ज हुजूर के हुलिये के हवाले से याद कर लीजिए, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयदा मलीहन मुकस्सदा, ये तीन लफ्जों में याद किया जा सकता है। और अगर अरबी के ये लफ्ज याद करने मुश्किल हो तो ताजदारे गोलड़ा ने पंजाबी में कामी सौखा कर दिया, मुख चंद बदर शाह शानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमू रखी है न मद भरिया। वो जमाल हुजूर को दिया गया जो किसी और का मकसूब नहीं। कल कमरे लैलतल बदरे लम आरा कबलहू वला बादहू मिसलहू, कहा क्या पूछते हो, 14वीं रात के चमकते हुए चेहरे की तरह हुजूर का चेहरा ये नूर था। फिर हजरत अबू हुरैरा फरमाते नहीं नहीं हुजूर जैसा ना पहले देखा ना बाद में देखा। हसान बिन साबत बोले देखते कैसे, किसी माँ ने जन्म दिया होता तो देखते, खुदा ने उस सच्चाई पन छड़िया जिदे विच मुहम्मद नु टालिया सी, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। सानी तो बड़ी दूर की बात है, उस नबी का तो साया भी नहीं था, वो इतनी बेमिसल सूरत, अल्लाह अकबर, मिसले उ दराल में मकाम मुतसव्वर नेस्त। और इकबाल ने कहा था रुखे मुस्तफा है वो आईना, कि अब उसका दूसरा आईना न किसी की बज्म ख्याल में न दुकान आईना साज, तो मुमकिन ही नहीं है, खुदा ने उस सच्चाई पन छड़िया जिदे विच मोहम्मद नु टालिया। सरापा खैर ही खैर हैं, सरापा रहमत ही रहमत हैं, तो अगर हम उनसे मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम उनकी अतात करें, उनके जिक्र की कसरत करें, उनके नाम की पुकार करें और उनको हर तरह से बेऐब और बेनक्श देखते रहें और उनके लिए अपनी जिंदगी का सब कुछ हासिल हयात दिछावर कर दें। ये तकाजा मोहब्बत है। अल्लाह जल्ला शानहू हमें इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी सारी जिंदगी हुजूर के नाम लगा दें, जिए तो हुजूर के लिए, मरें तो हुजूर के लिए। एक तू ही होते हैं मेरिया आसा दा सहारा, दस किन्नू करा जे तेनू ना करा याद। जिंदगी का सारा हुस्न उनके नाम से और जिंदगी का सारा जमाल उनके कदमों की धूल है, और अगर उन तक नहीं पहुंचे तो फिर हमने कोई सफर ही तय नहीं किया। अगर हम मंजिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो फिर उन्हीं के कदमों में पहुंच जाएं। हर राह पहुंचती है तेरी चाह के दर पे, हर हरफ तमन्ना तेरे कदमों की सदा है। तो जो उनके कदमों तक पहुंच गए वही सरमाया ये जिंदगी पा गए।
दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नियत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकअल्लाह।